सो गाइज ये है 2018 की न्यू रॉयल एनफील्ड 500X। इसका बैंगलोर में ऑन रोड प्राइस है 241,950 और ये आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, ब्लू कलर और ऑरेंज कलर। यदि आप ये बाइक परचेस करने जाते हैं तो जयनगर के शोरूम में ये बाइक अवेलेबल है, जो रॉयल एनफील्ड का ब्रांड स्टोर है जयनगर में, उसका एड्रेस मैं अपने लिंक में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस बाइक को देख सकते हैं, अपने पसंद कर सकते हैं। सो लुक की बात करें तो 350X और 500X में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, सिर्फ कलर वेरिएंट का डिफरेंस है और इसमें इंजन का वेरिएंट है, उसमें कार्बोरेटर इंजन है, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा। और सिटिंग पोस्चर की बात कर सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं मेरा सिटिंग पोस्चर, राइडिंग पोस्चर कैसा है। पुराने थंडरबर्ड में थोड़ा सा रिलैक्सिंग था, पर इसमें आपको थोड़ा सा मतलब लीन होना पड़ेगा हैंडल बार की तरफ। देख सकते हैं कैसे इसमें साइड से दिखा रहा हो, तो इसमें लॉन्ग राइड्स में तो हल्का फुल्का पेन आ सकता है, जो फिलहाल पिछले थंडरबर्ड में नहीं था। अब फ्रंट लुक से देखिए तो कितनी अच्छी दिख रही है बाइक, सामने से काफ़ी बोल्ड दिख रही है बाइक, तो दिखने में काफ़ी अच्छी है फ्रंट से। अब इसका देखिए, अब ये पूरा एक मैं आपको एक वॉक अराउंड दिखाता हूँ इसमें पूरा। तो सबसे पहला चीज़ आप क्या नोटिस करोगे, इसका जो ब्लू टैंक के साथ आपका जो रिम का स्टिकर है वो मैच करता है, मतलब अगर टैंक ब्लू है तो नीचे रिम में भी आपको ब्लू मिलेगा। और इसमें जो फ्रंट एंड रियर टायर हैं वो दोनों ट्यूबलेस, फर्स्ट टाइम रॉयल एनफील्ड ने अपने टायर्स में ट्यूबलेस डाला है और फर्स्ट टाइम इन्होंने अलॉयज भी डाले हैं। इससे पहले जो भी बाइक्स आती थी थंडरबर्ड उसमें आपको स्पोक मिलता था, पर इन्होंने इस बार इसमें अलॉय व्हील डाला है। सीट की बात करें तो सीट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं पिछले थंडरबर्ड से, क्योंकि पिछले थंडरबर्ड थोड़ी सी सीट हार्ड थी, पर जो ये वाली रॉयल एनफील्ड है इसमें आपको सीट फोम वाला सीट मिला है, जैसे रॉयल एनफील्ड हिमालय में काफ़ी सॉफ्ट सीट आता था वो वाला मटेरियल इस बार इन्होंने यूज़ किया है। अब इसका टैंक भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, इसका हैंडल बार देखोगे तो हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा वाइड है और इसका साइड मिरर्स भी इन्होंने चेंज किया, पहले साइड मिरर आपको स्क्वायर शेप कहते थे पर इस बार राउंड शेप के इसमें आपको साइड मिरर मिलेंगे। तो लुक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है और इंजन इसका अभी भी सेम है, जो 500 का पुराना इंजन था वो अभी भी सेम टू सेम इसमें इन्होंने यूज़ किया है, तो कोई भी इंजन में चेंजेस नहीं है। फ्रंट देखें तो फ्रंट में आपको ये जो ब्लू कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, फ्रंट फेंडर और रियर फेंडर इन्होंने थोड़ा सा पिछले की बार के जैसे थोड़ा सा लिफ्ट किया है, तो कुछ चेंजेस किए हैं रियर फेंडर्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिम के स्टिकर जो ब्लू कलर जो दिखने में काफ़ी अच्छा है। बात करोगे इसका इंजन तो इस बार इंजन पूरा ब्लैकआउट है और उसका जो एग्जॉस्ट है वो भी पूरा ब्लैकआउट है। और इसके आपको फुट पैक वगैरह में आपको रॉयल एनफील्ड का आपको लोगो देखने मिल जाएगा, आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का लोगो है, एग्जॉस्ट पूरा ब्लैक है। ये जो मैं बात कर रहा था इसका फेंडर हल्का सा लिफ्टेड है। और पीछे की बात करते हैं, पीछे में बैक रेस्ट मैंने दिया नहीं है तो मे भी शायद पिलियन राइडर को थोड़ा कंफर्ट नहीं लगे, क्योंकि बैक रेस्ट होना जरूरी था और उसमें सीट काफ़ी कम है पीछे, रियर जो आदमी बैठेगा पिलियन में उसके लिए सीट काफ़ी कम है। और इसका ये जो सिस्टम देखोगे आपको स्पीडोमीटर वगैरह, तो पिछले बार में था तो क्रोम फिनिश था पर इस बार आपको ब्लैक एंड क्रोम का फिनिश देखने मिलेगा, तो चेंजेस बहुत सारे हैं इस बार इस रॉयल एनफील्ड में। आपका हेडलाइट देखो तो हेडलाइट के अंदर इस बार आपको स्मोक मिलेगा, जो कि पहले में आपको क्रोम फिनिश मिलता था, मतलब हेडलाइट के अंदर वाला एरिया जो क्रोम था पर इस बार स्मोक मिलेगा, तो देखने में काफ़ी अच्छा बाइक है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको बाइक कैसी लग रही है, कलर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से जो न्यू कलर वेरिएंट निकल रहे हैं आपको क्या लग रहा है, आपका कैसा सुझाव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।